नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। दोस्तों, मैं करुणा आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ पेंटिंग कोड 049 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि बेस्ड होगा मिड टर्म एग्ज़ाम पर। बेटा, ये 22-23 में जो अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं, 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं, उसमें आपका पेंटिंग का पेपर कैसा आएगा वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए तैयार किया है। बेटा, आप लोगों का CBSE का एनुअल एग्ज़ाम का मॉडल टेस्ट पेपर या सैम्पल क्वेश्चन पेपर CBSE ने अपलोड कर दिया है। उसको हमने डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो आपका पूरे सिलेबस पर बेस है, और अभी आपने अपना पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, सिर्फ उतना ही पढ़ा है जितना मिड टर्म में आने वाला है। तो उसी पैटर्न के आधार पर ही आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, और सेम वैसा ही पेपर मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसके अंदर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डालने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। तो बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप शिक्षा प्रभा पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के सैम्पल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, आपके एग्ज़ाम होने वाली आंसर कीज़ के लिए और बाकी अपडेट्स के लिए शुरू कर देते हैं बेटा आज की वीडियो। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है मिड टर्म का, वो 30 नंबर का ही होगा। 2 घंटे का टाइम आपको इस पेपर के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल होगा मिड टर्म में, वो 20 नंबर का होगा। तो इस तरह से टोटल 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम मिड टर्म में होने वाला है। कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस जैसा कि एग्ज़ाम पेपर में दिए जाते हैं, यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं। 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड है, और जिसमें सेक्शन ए में आपको सभी प्रश्न करने हैं और उनका अंक 1 होगा। सेक्शन बी में आपको सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक का अंक 2 होगा। और इसी तरह से सेक्शन सी में बेटा आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं और 1 प्रश्न का अंक 6 होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। तो सेक्शन ए में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिनमें आपको सही विकल्प बताना है। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की उस कला शैली का नाम बताइए जो अंत तक किसी अन्य कला से प्रभावित नहीं हुई। ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मेवाड़ और ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसके अंदर हम जाएंगे मेवाड़ पर, ऑप्शन सी मेवाड़। इसके बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन है आपसे, 12 मासा क्या है। तो 12 महीनों पर आधारित गीत 12 मासा कहलाता है, चित्र, पुस्तक या फिर कहानी। तो बेटा इसका सही ऑप्शन जा रहा है ऑप्शन आ, 12 महीनों पर आधारित गीत। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, कबीर और रैदास चित्र के चित्रकार का नाम क्या है। मंसूर, फकीरुल्लाह खां, मिस्किन और अबुल हसन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उस्ताद फकीरुल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, लघु चित्र किसे कहते हैं। तो वसली पर बनाए गए चित्रों को, कैनवास पर बनाए गए चित्रों को, बड़े आकार के चित्रों को या छोटे आकार के चित्रों को। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, लघु मतलब छोटा, मिनिएचर, मिनी मतलब छोटा, इसका मतलब डी, छोटे आकार के चित्रों को। 5वां क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है, नजूम उल उलूम ग्रंथ कौन सी विद्या पर आधारित है। खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, शरीर विज्ञान या चित्रशास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, खगोल विद्या। 6ठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वसली क्या है। तो हाथ से बना मोटा कागज, हाथ से बना पतला कागज, हाथ से बना छोटा कागज या हाथ से बना बड़ा कागज। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन ए पर, हाथ से बना मोटा कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौगान प्लेयर्स चित्र में चित्रकार ने कितनी महिला आकृतियों को चित्रित किया है। 4, 7, 6 या 8, आप चित्र याद कीजिए चौगान प्लेयर्स। तो उसके अंदर ऑप्शन सी, 6 महिला आकृतियों को 6 घोड़ों पर सवार गति में मुद्रा में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भिन्न है। भिन्न मतलब कौन अलग है, जोधपुर शैली, बीकानेर, किशनगढ़ या बसोली। तो बेटा जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, इन तीनों का संबंध राजस्थानी कला शैली से है, जबकि बसोली शैली जो है उसका संबंध पहाड़ी कला से है। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के पास, बसोली कला। तो बेटा ये थे आपके सेक्शन ए के 8 क्वेश्चंस, यानी कि आपसे 8 MCQ क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे।
और MCQ क्वेश्चन का जो अंक होगा वो होगा 1, यानी 8 नंबर के MCQ क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में पूछे जाएंगे। सेक्शन बी है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि आप चाहें तो और के ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं और के नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, ये आपके एनुअल जो CBSE ने एनुअल सैम्पल पेपर डाला है उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि शिष्य अपने गुरु के प्रति अत्यधिक भक्ति को दर्शाने वाले डेक्कन स्कूल की पेंटिंग की पहचान करें और उसका वर्णन करें। दक्षिणी स्कूल के शैली के चित्रों की अगर यहाँ पर बात करें तो आपने देखा होगा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया व अमीर खुसरो, यहाँ पर दोनों गुरु और शिष्य एक साथ बैठे हुए हैं और किसी बात पर परिचर्चा कर रहे हैं। तो ये वो वाला चित्र है जिसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको देना है। और मैं आपको दिया गया है समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से परिष्कृत दक्षिणी शैली का चित्र, जिसमें महिलाओं को महान खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोगों ने चित्र देखा है ना, पोलो खेलते हुए जो महिला सशक्तिकरण भाई, उसने 6 महिलाओं को एक बाग में, अकेले बाग में खेलते हुए दिखाया है। तो आपको यहाँ पर उसी चित्र की डिटेलिंग देनी है। दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। इसी तरह प्रश्न 3 में भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं बेटा। अगर आप ऊपर वाला कर पा रहे हैं ऊपर वाला कर दें, नीचे वाला कर पा रहे हैं नीचे वाला कर दें। 2 प्रसिद्ध कलाकारों और भाइयों मनकू और नैनसुक ने पहाड़ी स्कूल में शैली को परिष्कृत करने में, आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। नीचे दिए गए चित्रों में से किसी एक के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। गोपियों के साथ कृष्ण, या तो आप गोपियों के साथ कृष्ण को एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पर, या फिर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है नंद यशोदा और कृष्ण स्वजनों के साथ वृंदावन जा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन आपको ये दिया गया। इन दोनों में से किसी एक चित्र के बारे में आप लिख देंगे जो आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका 2 नंबर के लिए प्रश्न है, क्योंकि ये सेक्शन बी में आ रहा है और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला प्रश्न है, अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित जोधपुर कला शैली के किसी एक चित्र का वर्णन कीजिए। जोधपुर कला शैली का जो चित्र आपके सिलेबस में है आप उसकी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित राजस्थानी कला के उपकेंद्र किशनगढ़ से संबंधित किसी चित्र का विवरण दीजिए। तो या तो जोधपुर शैली का कोई चित्र आपको याद है तो उसको एक्सप्लेन कर दो, या फिर किशनगढ़ शैली का जो भी चित्र आपको याद है, जैसे बनीठनी है आपके सिलेबस में तो आप बनीठनी को एक्सप्लेन कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आप लोगों के लिए कि राजस्थानी शैली के किन्हीं 2 चित्रकार एवं उनके चित्रों के नाम बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी 2 चित्रकार और उनके चित्र, उन्होंने कौन से 2 चित्र बनाए हैं वो आप बता देंगे। दूसरा, मुगल शैली के किन्हीं 2 चित्रकार हैं और उनके चित्रों का नाम बताइए। ये भी आपका 2 नंबर में प्रश्न है, ऑप्शन यहाँ पर भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट प्रश्न है जो कि आपके सेक्शन बी में आप लोगों से दिया गया है। इसमें भी ऑप्शन आपको दिया है, यानी कि हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया है। आप चाहें तो ऊपर वाला कर दें, चाहें तो नीचे वाला क्वेश्चन कर दें। क्वेश्चन है, शाहजहाँ कालीन चित्र कबीर और रैदास का विवरण प्रस्तुत कीजिए, या फिर दारा शिकोह की बारात चित्र के संयोजन एवं रंग योजना पर टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। तो ये था आपका सेक्शन बी। सेक्शन सी में बेटा आप लोगों को एक प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जैसा कि हमने ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस में देखा था। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनका जो उत्तर है बेटा वो आपको लगभग 200 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वो है, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग स्कूल ने पुरुषों और महिलाओं द्वारा जानवरों के प्रति मित्रता और सम्मान को सफलतापूर्वक दिखाया है। अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक पेंटिंग की पहचान करें और बताएं उसकी विषय वस्तु के बारे में, उस पेंटिंग के बारे में यानी उस पेंटिंग का नाम और उसके कलाकार का नाम, कौन सी शैली से वो संबंध रखता था, किस माध्यम में बना है, क्या तकनीक बनाने में प्रयोग में लाई गई है और उसकी संरचना व्यवस्था कैसी है। तो या तो आप ये क्वेश्चन कर देंगे। सेकंड है, हम देखते हैं कि मुगल काल के लघु शैली के कलाकार पेंटिंग बनाने में कुशल थे, जो एक पेंटिंग में बहुत अधिक आकृतियों को चित्रित करते थे।
जो कि मुख्य आकृति के पूरक थी, उन्हें उचित महत्व दिया जाता था। मुख्य आकृति को आसपास की भीड़ के बीच खड़ा करके महत्व दिया जाता था, ठीक है। जो वो मेन कैरेक्टर है उसको, जो हम प्रभाविता के सिद्धांत के द्वारा चित्रित करते हैं, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो उपरोक्त विशेषताओं वाले अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम से मुगल काल के किसी एक प्रासंगिक पेंटिंग की पहचान करें। पेंटिंग का अपने आप में वर्णन करते हुए उपरोक्त कथन की पुष्टि करें। ये पेंटिंग आपको पहचाननी है और फिर उसकी भी डिटेलिंग यहाँ पर आपको देनी है। तीसरा जो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है वो है, पहाड़ी कला शैली के किन्हीं तीन उपकेंद्रों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन निम्न आधार पर कीजिए। पहाड़ी कला के कोई भी तीन उपकेंद्र जैसे कांगड़ा, गुलेर, चंबा या और भी कोई जो आप बताना चाहो, तो उसके विषय बताना है कि प्रमुख किन विषयों पर चित्रांकन हुआ, जैसे बसोली में किस विषय पर हुआ, कांगड़ा में किस विषय पर हुआ, और प्रमुख चित्र व चित्रकार, बसोली शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम बता दो तीन और उनके चित्रों के नाम अगर आपको पता है तो। तीसरा आप बताओ कि शैलीगत विशेषताएं जैसे कैसी रेखाओं का प्रयोग किया गया, रंगों का, वेशभूषा का, या वास्तुकला कैसे चित्र के पीछे दिखाई गई है, गुलेर में कैसी दिखाई है, चंबा में कैसी दिखाई है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीन क्वेश्चन हैं, इन तीन में से कोई भी दो क्वेश्चन आप कर सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 6 नंबर का होगा। तो बेटा इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो आपसे पूछा जाएगा अभी जल्दी ही आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में। अच्छा बेटा, तो ये था सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले कोई वीडियो ऐसे 12th क्लास के संदर्भ में नहीं डाली है, तो ये सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बाद मैं जल्दी ही एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसके अंदर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर ऐसे सॉल्व करके दिखाऊँगी कि हमें किस तरह से आंसर लिखने हैं या इन क्वेश्चंस के आंसर हम किस तरह से लिखें जिससे कि हमें मैक्सिमम नंबर मिल सकें। वीडियो बेटा अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर देना।